मतलब परिवार को कहीं ना कहीं तबाह कर दिया इस जहरीली शराब ने। और देखिए पीने वाला दोषी है, उससे ज्यादा दोषी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। मैं उसको बहुत दिक्कत हो रहा था, सामने पता चला। दिखाने के लिए हम लोग मशरक सिलेंडर सिंह के पास गए, वहाँ से रेफर करने के बाद जब रह गया वहाँ भी रेफर हो गया। वही है ना जिसने पिला दिया होगा जहरीला, उसको क्या सजा देनी चाहिए, क्या मांगती है? उसको सजा मौत मिलनी चाहिए, मौत, मौत के बदले मौत। बताइए आपके पापा नहीं रहे, अब क्या होगा, आप लोगों का कैसे पढ़ाई कीजिएगा? नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज रहे हैं। अभी मैं बिहार के छपरा जिले के मशरक में हूँ और यहाँ पर एक ऐसी घटना आपको देखने को मिली है जो कि इससे पहले बिहार में नहीं देखने को मिली थी। एक साथ 40 से 50 की संख्या में, या हो सकता है कि 50 से 100 की संख्या में जहरीली शराब पीने से मौतें हो गई है। एक परिवार के पास हम लोग हैं अभी, और इस परिवार का भी एक शख्स जहरीली शराब की वजह से इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार में काफ़ी मातम है और कहीं ना कहीं यह घटना काफ़ी दुखद है और सरकार की नाकामी को दिखाता है कि बिहार में जब शराबबंदी नहीं था तब इस तरह की मौतें नहीं होती थी। लेकिन आज देखिए एक परिवार है जो कि क्या दुख दर्द है, मैं क्या दिखाऊँ आपको, पूरा परिवार दुखी गमगीन है और परिवार से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। देखिए बहुत ही दुखद घटना है और सरकार को इस सभी चीज़ों को सोचना होगा अब कि आखिर शराबबंदी करने के बाद इसे बिहार में कहीं ना कहीं गरीब लोगों की जान चली जा रही है। देखिए हम क्या पूछे और समझ में नहीं आता है। कौन थे आपके? मेरे चाचा थे, इनके भाई थे। कब पता चला आप लोगों की रात में? शाम में उसको बहुत दिक्कत हो रहा था, शाम में पता चला। दिखाने के लिए हम लोग मशरक सिलेंडर सिंह के पास गए, वहाँ से रेफर करने के बाद जब रह गया वहाँ भी रेफर हो गया। कितने साल के थे, उम्र क्या थी उनकी? उम्र 30 साल की, 32 साल की होगी। 32 साल, शादी हो गई थी? हाँ, 3 बच्चा है, 2 लड़का उन्हें ले गए हैं, 2 बच्चा 1 बच्ची। प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं आप? प्रशासन को हम लोग बुलाए, फोन किए कि ऐसे जो हुआ, तो फिर एसपी साहब आए, पुलिस लोग आए, उसके बाद फिर बताया गया कि साथ में 2-4 आदमी मिल कर के पिया, उसके बाद में वैसे ही आँख से कम लोग दिखने लगा, उसके बाद में हालत बिगड़ते चली गई। शराब जिसने बेचा है उस दोषी तो वही है ना जिसने पिला दिया होगा जहरीला, उसको क्या सजा देनी चाहिए, क्या मांगती है? उसको सजा मौत मिलनी चाहिए, मौत, मौत के बदले मौत। क्या हम पूछे, समझ में नहीं आता है, इन सब जगहों पे हम भी बोल नहीं पाते हैं। लेकिन बस इतना ही कहूंगा इस सरकार के भ्रष्ट वैसे लोगों, सरकार में बैठे भ्रष्ट लोगों से, मुख्यमंत्री बिहार के आपके लिए तो मुझे इतना गंदा शब्द आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। आपने शराबबंदी अपने जिद पे कायम तो रखा है, लेकिन इस शराबबंदी की वजह से किसी के आँख में, किसी माँ के आँख में, तो किसी बहन के आँख में, तो किसी बीवी के हाथ में, देखिए उनकी बीवी है यहाँ पर, क्या हालत है उस परिवार की दिखाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या होगा उस परिवार का, 32 साल, 30 से 32 साल की उम्र थी, देखिए उनकी बीवी है। और क्या हम पूछे, हमें समझ में नहीं आ रहा। रात को कितना बजे आए थे? रात को कितना बजे आए थे? देखिए क्या पूछे और पूरा मतलब परिवार को कहीं ना कहीं तबाह कर दिया इस जहरीली शराब ने। और देखिए पीने वाला दोषी है, उससे ज्यादा दोषी बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, क्योंकि उसके जीत के वजह से आज एक बेटी के सर से उसके पिता का साया उठ गया, एक बीवी के सर से उसके पति का साया उठ गया और विधवा हो गई। 3-3 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा 2 बच्चे इनसे छोटे हैं कि बड़े हैं? एक बेटा है बड़ा है, एक इससे छोटा है। देखिए इन बच्चों का क्या होगा, कौन देखेगा आखिर? विकलांग है, बड़ा लड़का विकलांग है, बताइए एक बेटा विकलांग है, आखिर कौन देखेगा इन छोटे छोटे मासूमों को, मैं किसको कहूँ?
आपने अपने जीत पे शराबबंदी तो कर लिया, लेकिन बिहार को, पूरे बिहार को आपने बर्बाद और बदनाम करके रख दिया है पूरे दुनिया में, पूरे भारत में। और आपके वजह से एक एक कहीं ना कहीं इस बच्ची के सर से उसके पिता का साया उस उम्र में चला गया जिस उम्र में उसके साथ पिता का साया होना चाहिए था। कौन आज पढ़ाएगा इस बेटी को? कौन पढ़ाएगा इनके बच्चों को? कौन चलाएगा इनके परिवार को? पूरा परिवार दुखी है, देख सकते हैं आप, उनकी बीवी, उनके बच्चे, दो बच्चे उनके लाश को लेकर के गए हुए हैं। बस मेरी मांग है, अब आपको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था यहाँ पर, और इस्तीफा दे करके कुर्सी छोड़ करके जा करके किसी आश्रम में बैठ जाना चाहिए था, क्योंकि आपके जीत के वजह से इन बच्चों का साया उड़ जा रहा है। और प्रशासन और सरकार इसमें कुछ दबाव नहीं है, मैं क्या कहूँ अब? सरकार है इसमें दोषी। कितना बाबू आपका क्या नाम क्या है आपका? चिंकी। कितना साल उम्र है आपका? 10। किस क्लास में पढ़ती हैं? 3 क्लास में। किस स्कूल में? प्रकाश में। अच्छा आप बताइए, आपके पापा नहीं रहे, अब क्या होगा आप लोगों का, कैसे पढ़ाई कीजिएगा? क्या पूछे उस बच्चे से, उस बीबी से, उस माँ से, उस बहन से? नीतीश कुमार देख सकते हैं उनकी बीबी भी यहीं पर हैं, लेकिन अब क्या होगा इन बच्चों का? पहले मकेर में, फिर भुवालपुर में, सिर्फ छपरा जिला का मैं आपको गिनवा रहा हूँ, पहले मकेर में हुआ, फिर भुवालपुर में, आज मसरक में, और कल कहीं और होगा, और ऐसे ही लोग मरते रहेंगे। देख सकते हैं उनकी बीबी है, मैं क्या पूछूं, मुझे समझ भी नहीं आता है इन सब जगहों पर, या कि उनसे मैं क्या पूछूं। बस इनके परिवार को कहीं ना कहीं अब उन बच्चों के लिए मुआवजा मिलना चाहिए, और जो लोग शराब बनाए हैं उनकी जाँच हो और उन लोगों को सज़ा हो, क्योंकि एक इंसान ने कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों का जान ले लिया है। सिर्फ एक कहानी नहीं, आपकी 50 लोग यहाँ के जान गंवा चुके हैं अभी तक, पूरे मशरक में, पूरे जिला में और पूरे बिहार में मातम है, क्योंकि एक साथ इतने ज़्यादा लोगों की मौत आज से पहले कहीं भी नहीं हुई थी जहरीला शराब से। जब शराबबंदी है फिर शराब आ कहाँ से आता है, बन कहाँ से आता है? आपको तो कमीशन चल जाता होगा मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और विधायक जी, लेकिन एक गरीब लोग जो मर जाते हैं, इनके बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बीवी विधवा हो जाती है, एक माँ का बेटा चला जाता है, वे लोग दुख में रह जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं रह जाता है। मेरी मांग सिर्फ स्थानीय विधायक, स्थानीय मंत्री से होगी कि इस बात को मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए और शराबबंदी को चालू करवाइए, शराब बिहार में चालू होना चाहिए, इन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, इनके बच्चों को। 3 घंटे के बाद इधर लेके आइए, देखिए पुलिस को, पुलिस को आप लोगों ने इन्फॉर्म किया था कल? हाँ, किया था। कितना बजे की थी इन्फॉर्म? डेट होने के 1-2 घंटे के बाद किए थे। 10 बजे मतलब रात? और कब आया? बहुत देर के बाद आया, 1:30 बजे रात को आया। बहुत देर के बाद आया, मतलब 3-4 घंटा बाद आया। हाँ, बहुत देर के बाद आया। बताइए, जबकि थाना पास में ही है यहाँ से, कितना देर? 10-15 मिनट, आधा घंटा लगेगा आने में? आधा घंटा, 10 मिनट। बहुत देर के बाद आया। बताइए, जब की 3 घंटा पर पुलिस आती है? बताइए, पुलिस भी टाइम पर नहीं आते हैं, किस बिहार में हम लोग रहते हैं और क्या किससे हम बात करें। लेकिन आखिरी में तमाम लोगों से कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं इन बच्चों के पढ़ाई का खर्च अब सरकार को उठाना चाहिए, जो छोटे छोटे बच्चे और माँ हैं, देखिए उनकी क्या कह के चाहते हैं चाची सरकार से, मुख्यमंत्री से क्या लड़ियों बेटा कर पिया खिया के मुँह दिल हम अब के हमने के देखी ओकर बेटा बेटी के कल मेहरारू के देखी हमने के तो बूढ़ा बूढ़ी हो गई सर हमने के कह दी जीएम दे देखे तब तो ये बात कहते लोग शराब बेटी के पढ़े के खर्चा सरकार को उठाना चाहिए। हाँ, पढ़े के लिखे के ब्याह शादी के कर खाना पीना काट के दी सबके अब हमने तो बूढ़ बनी बहुत दिन जिए। लेकिन सरकार को पूरे परिवार का जिम्मेदारी अब उठाना होगा, क्योंकि कमाने वाला जो शख्स था उसके 3 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा दिव्यांग भी है। हाँ, हाथ हाथ तो ही ना दो बेटा है और एक बेटी भी है। बताइए, उन बच्चों को अभी छोटे छोटे हैं, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, उसके बाद शादी विवाह सब चीज का खर्चा कौन उठाएगा, कौन है कमाने वाला? बस इस दुख के घड़ी में हम लोग साथ हैं और सरकार से सख्त चेतावनी है मेरी कि शराबबंदी आपका जब विफल है तो चालू करेगी, और इन परिवारों को, जितने भी लोग मरे हैं मशरक में शराबबंदी, जहरीली शराब पीने से, उन लोगों को मुआवजा सरकार को देना चाहिए, और उन बच्चों के पढ़ाई का खर्च, इस परिवार के पूरे भरण पोषण का खर्च
उठाना चाहिए। चलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तमाम लोग जितने देख रहे हैं शेयर कीजिए, ताकि नीतीश कुमार जो अंधे हो चुके हैं, कहना तो नहीं चाहिए एक मुख्यमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, लेकिन कहना पड़ता है जब बिहार में गरीबों की मौत हो जाती है और शराबबंदी विफल हो जाता है और आप जीत पे अड़े रहते हैं। तमाम लोगों से आग्रह है कि वीडियो को शेयर करके अपनी राय इस पूरे शराबबंदी शराब में कांड में जो भी मौतें हुई है उन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कहीं और किसी और परिवार के दुख दर्द में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद।